भारी बारिश से मुंबई का हाल बेहाल, कई इलाकों में पानी भरा, हवाई सेवा प्रभावित, हाई टाइड की चेतावनी जारी। हिसार कोर्ट ने दो मामलों में रामपाल को बरी किया, लेकिन हत्या और देशद्रोह का केस चलता रहेगा, फिलहाल जेल में ही रहेगा रामपाल। झारखंड के जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में दो महीने में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया, झारखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 10 दिनों में तीसरा रेल हादसा, नागपुर से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस के इंजन समेत 9 डिब्बे पटरी से उतरे, सुबह 6:40 पर हादसा हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साध्वी से रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को सीबीआई कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा और 30 लाख का जुर्माना लगाया। पीड़िता ने कहा, मुझे इंसाफ मिला, ना पहले डरी थी और ना आज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनधन आधार और मोबाइल फोन को त्रिमूर्ति बताते हुए सामाजिक क्रांति की शुरुआत का दावा किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जाम में फंसे सरकारी कल्याण के दावे।